What's up, you guys? Welcome back to the video. Welcome back to new polluted day in Delhi. बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है दिल्ली में और हम लोग आज फिर चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर जा रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ और अभी रुके ब्रेकफास्ट के लिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हो फॉग नहीं है पोल्यूशन है क्योंकि फॉग बिल्कुल भी ओस वगैरह नहीं पड़ रही है सो कीप वॉचिंग और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मैं हूँ मनीष शंखपाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑड इवन डे का लास्ट डे बट इतना कुछ पोल्यूशन इफेक्टिव हुआ नहीं कंट्रोल में नहीं है बट ठीक है कोशिश चल रही है हम लोग रुके ब्रेकफास्ट के लिए फिर से निकले चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे नया ट्रैवल सेम डेस्टिनेशन नया ट्रैवल सो कुछ वीडियो बनता है तो आप लोग को दिखाएंगे कीप वॉचिंग माई चैनल पाकिस्तान इंडियन ऑन यूट्यूब यू गाइस स्क्रैप जो आपने देखी यहाँ पे ये एक्चुअली लाया गया यहाँ पे स्क्रैप इसमें बन रहा है रेस्टोरेंट यह वही हाईवे ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है इसमें जो ढाबा हाईवे आपने मेरा वीडियो देखा होगा लास्ट उसी हाईवे पे हूँ मैं तो एयरक्राफ्ट से यहाँ बन रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहे हैं उसमें सो प्रॉब्ली एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा ये पानी सोनीपत के पास में है ये इनकेस अगर आप लोग कभी जाते हो दिखता है आना चाहते हो तो वैसे और दो यहाँ पे एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट्स है एक रनवे 21 है आई थिंक अम्बाला के पास में और एक मरथल में एक और है जुरासिक पार्क जो है उसमें भी एक एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट है सो कुल मिला के हाईवे पे 2 या 3 हो जाएंगे अब अभी 1 तारीख से एक नया पंगा शुरू होने वाला है हाईवेज़ के ऊपर में टोल प्लाजास के ऊपर में फास्टैग कंपलसरी होने वाला है जो हम लोग कैश पे करते हैं वो कैश नहीं लेंगे हमें देना होगा फास्टैग के थ्रू पेमेंट जो कि ऑनलाइन लिंक होगा बैंक के थ्रू या पेटीएम के थ्रू लिंक होगा आपका अकाउंट उसके थ्रू पेमेंट देना होगा कोई भी लाइसेंस हो जाता ना इसमें एक ही मिलेगा फास्टैग कितने भी ले सकते ना कितने भी ले सकते हो सर ये फास्टैग सुगर है
फास्टैग और कहाँ कहाँ मिलता है? सभी टोलों पे सर। टोलों के अलावा कहाँ मिलेगा? दिल्ली में बैंकों में मिलता है ना? बैंकों में मिलता है सर। रिचार्ज कितने का करना सर? 500। किनारे नहीं लगता है? किनारे भी लग जाता है, आप बताओ। ये फास्टैग लेके अभी लगा दिया यहाँ पे, जब भी गाड़ी टोल से पार होगी ऑटोमेटिकली पैसे इसमें रिचार्ज करिए, हमने 5 रुपये का ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे और हम टोल पे रुकना नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे गाड़ी ब्रेक डाउन वगैरह होती है कोई आपके सामने वाला फास्टैग में नहीं, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी रुक सकती है, ये प्रॉब्लम है। यदि आपको फास्टैग का टैग लगाना है 1 तारीख से कंपलसरी होने वाला है, ध्यान रखिए, बनवाइए अपना फास्टैग, लगाइए। बैंकों में भी मिल रहा है, ICICI हो गया, SDFC हो गया, एक्सिस बैंक ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू आ रहा है, अमेजोन के थ्रू आ रहा है, या हाईवे के ऊपर टोल बूथ पे भी मिल रहा है आपको ये फास्टैग। सोचने अब तक OTP नहीं आया, पकड़ लिया चूजे को, उससे पैसे मांग रहे हैं। ये है टोल बूथ नंबर 2 दिल्ली टू अमृतसर। अभी तो कैश की कितनी लेना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 10 लेने हैं कैश की, फिर भी हाल है, ट्रैफिक रुका हुआ है। फास्टैग लगने के बाद में कैश की एक लेन रह जाएगी और फास्टैग की बाकी लेन हो जाएगी। सभी वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि 1 दिसंबर 2019 को सभी नेशनल हाईवे पे फास्टैग सभी वाहन चालकों लगवाए और फिर लोगों से बचे। बूथ के ऊपर अनाउंसमेंट कंटिन्यूस हो रही है कि जो फास्टैग कंपलसरी होने वाला है, जो फास्टैग लेन में जाएगा उसे जुर्माना होगा। चलो क्लास 01 पे 125 ऑटोमेटिकली पे हो गया वहाँ, करो ना। आप लोगों ने देखा जब जैसे हम लोगों ने एंटर किया फास्टैग से RFID से, उसने ऑटोमेटिकली पेमेंट अपनी एक्सेप्ट करी और बूम बैरियर अपना ओपन हो गया। ₹600 डलवाए अभी, अभी डलवाए पानी कट पे टोल पे, अभी डलवाए, तीनों टोल क्रॉस करके आया हूँ मैं तो इसी से। हाँ कितने, 125, 140, 100 बता रहे हैं तो एक तो एक पे तो पैसे दे दिए ना भाई, तो पेमेंट उतने पे कटा होगा ना जी, 30 रुपये कटे दे दिए। एक बार चेक कर लो जरा, एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो जरा इसको, आगे करके देखो, करके देख लो मशीन से करा के, तो हम पता क्या हुआ है। तो अभी ये प्रॉब्लम हुआ हम लोग को वहाँ पे, फास्टैग उसने रीड नहीं किया और उसमें बैलेंस 0 दिखा रहा है, जबकि हम लोगों ने 600 रुपये का चार्ज कराया। ये सब प्रॉब्लम 1 तारीख को तो काफ़ी लोगों को आने वाली है और इसके लिए लाइन लगती रहेगी लंबी। खड़े रहिएगा टोल बूथ पे, एंजॉय करिएगा मेरा चैनल ब्लॉगिस्तान इंडियन, टाइम पास के लिए वीडियो देखिएगा। कि जब ये फास्टैग चालू हो जाएगा तो उसके बाद फास्टैग की लाइन में जब ये कैश वाला घुस जाएगा गलती से या जानबूझकर, तो फिर उसकी पोजीशन क्या होगी और हम कितनी देर इंतजार करेंगे उस फास्टैग के बाद उस लाइन में से निकलने का? मेन एक्चुअली ये प्रॉब्लम आने वाली है 1 दिसंबर के बाद में, सबके पास नहीं होगा फास्टैग, उसमें काफी लोग कैश वाले रहेंगे। करेगी फिर इस मामले में क्या, हर लेन पर एक एक गार्ड को खड़ा करेगी कि कोई बिना फास्टैग का घुस ना सके उस लाइन में? 1 तारीख से नेशनल हाईवे के ऊपर फास्टैग मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, आप लोग लगवाइए अगर हाईवे पे घूमते हो तो। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको समय रहते वहां से जाने दिया जाएगा। You won't take blame, even when you are blowing up.
Hey guys, welcome back to the day 2 of my video about FasTag. मैं हूँ मोरनी हिल्स पे आज, कल हम लोग शाम को यहाँ गए थे और आज मैं कंक्लूड करूँगा अपना कल का वीडियो फास्टैग वाला. कीप वॉचिंग. तो मोहाली में काम ख़त्म करके फिर हम लोग स्टे के लिए राइट में यहीं पे आ गए थे, मोरनी हिल्स पे, रॉकल रिसोर्ट पे, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा. सो अबाउट फास्टैग, फास्टैग कल जो लिया था हम लोगों ने वो था SBI का, SBI बैंक का, और उसमें है 100 रुपीज़ का टैग की वैल्यू है और 100 रुपीज़ उसमें था, हम लोग को टॉपअप मिला था और 200 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट है. सो टोटल उसकी वैल्यू थी 400 रुपीज़ की. उसके बाद आपको फास्टैग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में, जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन आपने दिया है. आपको देनी है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और अपना मोबाइल नंबर. उसके ऊपर आपको आता है OTP. उसके बाद आपका फास्टैग एक्टिवेट होगा, फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसके थ्रू आप लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं. जो भी वैल्यू का 1000 रुपये का कराइए, 2000 का कराइए, 10,000 उसकी लिमिट है, टॉपअप करने की लिमिट है 10,000 रुपीज़, उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं. और जब आपका व्हीकल टोल बूथ से पास होता है तो RFID के थ्रू, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो रीड कर लेता है और ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके टैग से निकल जाएगा और आपके लिए जो गेट बैरियर है वो ओपन हो जाएगा और आप जा सकते हो. इन केस अगर उसके अंदर सफिशेंट कैश नहीं है आपके अकाउंट में तो वहाँ पे कार्ड ब्लैकलिस्टेड करके शो करेगा और गेट ओपन नहीं होगा. फिर आपको कैश पे करनी है या जो भी फ़ाइन अगर होता है तो फ़ाइन पे करनी है. फ़िलहाल तो जो अनाउंसमेंट हो रहे थे कि फ़ाइन लगेगा 1 तारीख से कंपलसरी हो रहा है फास्टैग, जिसके पास नहीं होगा उसे फ़ाइन पे करनी होगी. अनाउंसमेंट तो यही था, अब ये पता नहीं क्या होता है क्या नहीं. सो सॉरी थोड़ा गला ख़राब है. जैसे आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन में आपके सारे ट्रांजेक्शन का डिटेल्स रहेगा, जैसे बैंक स्टेटमेंट आती है उस तरह से, कौन से टोल बूथ से गई है, कितना आपका टोल डिडक्ट हुआ है, कितना अमाउंट बैलेंस है, तो वो सारा आपको उसके अंदर डिटेल आपको दिखा देगा. सो ये अबाउट फास्टैग, और कंपलसरी हो रहा है 1 दिसंबर से. अगर आप हाईवे पे घूमते हैं तो फास्टैग लेके लगाना कंपलसरी है गाड़ी के ऊपर. जितने भी नेशनल हाईवेज है उन टोल बूथ पे, टोल प्लाजास के ऊपर फास्टैग कंपलसरी होने वाला है. तो अभी भी टाइम है, ऑनलाइन ले सकते हैं, अमेज़ॉन से, पेटीएम मॉल से आप ले सकते हो. जो आपको होम डिलीवरी होगी उसके बाद आपको KYC प्रोवाइड करना है ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन गाड़ी का और लाइसेंस आपको भेजना है और वो एक्टिवेट हो जाएगा. सबके जितने अपने अपने जो बैंक्स हो गए और पेटीएम, अमेज़ॉन, सब में डिटेल्स दिए हुए कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे यूज़ करोगे. सो आप लोग वो चेक कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. और कुछ क्वेरीज हो तो मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट करिए, लिखिए मुझे, उसको मैं क्वेरी सॉल्व करूँगा आपकी. फास्टैग करने जैसे कल हम लोग ने उसको यूज़ किया था फास्टैग को, थोड़ा कन्वीनियंट है. प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे हम लोग एक लॉरी खड़ी थी फास्टैग की लेन में, ब्रेक डाउन हो गई थी तो वो लेन बंद है. अब जैसे 1 दिसंबर से कंपलसरी हो जाएगा, हर किसी के पास एक्टिवेशन होगा नहीं. मोबाइल एप्लीकेशन इतना उसका ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है. ट्रक ड्राइवर्स हो गए, टेम्पो वाले जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है समझने के लिए एप्लीकेशन को और यूज़ करने के लिए. शुरू में इनिशियली कुछ दिन प्रॉब्लम्स होगी, इतने मास स्केल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे होगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम्स काफ़ी होंगे हाईवेज के ऊपर में. सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट फास्टैग, होप आपको पसंद आएगा. कल दिल्ली में था, काफ़ी पॉल्यूशन था और आज यहाँ पे हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में, मोरनी हिल्स पे, रॉकल रिसोर्ट में. सो समय आज का वीडियो ख़त्म करने का. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और डू वॉट एवर यूर डूइंग, जो भी कर रहे करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल व्लॉगिस्तानी इंडियन यूट्यूब पे. सी यू गाइस, बाय.